मेडिकल साइंस ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आने का एक और कारण हो सकता है कि कोई भी ग्लैंड ठीक प्रकार से काम ना करने से, या उस ग्लैंड के जो केमिकल या जो उसके फंक्शन है वह केमिकल अपनी जगह पर ना पहुंचने से, ज्यादा पहुंचने से, कम पहुंचने से बीमारी आ सकती है, है ना। जैसे इन्होंने कहा है शरीर में कोई भी अंग ठीक प्रकार से काम ना करने से, या उस ग्लैंड के केमिकल कम या ज्यादा होने पर, या वह अपनी जगह पर सही से ना पहुंचने से शरीर में बीमारी आती है। कोई दो तीन कंडीशन इन्होंने बताई है, उन कंडीशन को समझते हैं। पहला इन्होंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी तब आती है जब कोई भी ऑर्गन ठीक प्रकार से काम ना करे, ठीक प्रकार से काम ना करे यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा है। कम और ज्यादा तो एक अलग बात है कि भाई कम करे या काम ज्यादा करे, पहले तो वो इनएक्टिव ऑर्गन है, है ना, इन एक्टिव ऑर्गन है, तो वो जब ऑर्गन निष्क्रिय है तो बीमारी आएगी ही आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, या तो वो ज्यादा काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वो काम भी कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, और जिस केमिकल को वो बना रहा है वो केमिकल भी बन रहा है, लेकिन अब ये केमिकल जहां पहुंच कर काम करना चाहिए था वो पहुंच ही नहीं रहा, तो भी बीमारी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझाता हूं, जैसे पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज काम ना करे तो फिर बीमारी आएगी ही आएगी, है ना, पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा तो बीमारी आएगी ही आएगी, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा इसका काम है कि इंसुलिन को बनाना, है ना। अगर ये पैंक्रियाज इंसुलिन को बनाता ही नहीं है तो भी बीमारी है, अगर ये ज्यादा बनाए तो भी बीमारी है। अगर ये ज्यादा बनाएगा तो क्या बीमारी होगी, अगर ये ज्यादा बनाएगा तो ये ज्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा और उस समय पर हमारे शरीर की एनर्जी लेवल डाउन चली जाएगी। इसे डायबिटिक कोमा भी कह सकते हैं कि यानी कि शुगर के डाउन होने की वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसके ज्यादा होने से भी बीमारी आ गई। पहली कंडीशन क्या थी कि ये काम ही नहीं कर रहा तो भी बीमारी आ गई। दूसरा इसका जो काम इंसुलिन को बनाना है, अगर ये इंसुलिन ज्यादा बनाए तो भी बीमारी आ सकती है, अगर ये इंसुलिन को कम बनाए, ये कम बनाता है तो कम बनाएगा तो क्या होगा, तो ये कंज्यूम ही नहीं होगा ग्लूकोज और हमारे ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज घूमता रहेगा, इसी को तो डायबिटीज कहते हैं। तो यानी कि ये डायबिटीज हो गया, या इसको बोलते हैं हम डायबिटीज होना, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा चला जाए तो उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो दोनों ही कंडीशन में बीमारी है, है ना। तो अब ये तीसरी कंडीशन इन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गन काम तो कर रहा है, इंसुलिन भी बना रहा है और वो बराबर बना रहा है जितना बनाना चाहिए, लेकिन ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जाता है, ग्लूकोज को पकड़ता है और कहां ले जाता है, सेल के पास में ले जाता है। कहां ले जाता है, सेल के पास ले जाता है। इंसुलिन, पैंक्रियास का काम इंसुलिन बनाना है, वो बना रहा है, इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना बन रहा है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को पकड़ता है, सेल के पास ले जाता है। यहां तक की कहानी ठीक है, लेकिन अगर सेल अपना दरवाजा खोल देता है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लेकर सेल के अंदर स्टोर कर देता है उसकी अलमारी के अंदर, है ना। तो ग्लूकोज लेवल डाउन है, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। अगर ये इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेकर सेल के पास पहुंचे और सेल इसके लिए दरवाजा ही ना खोले तो क्या होगा, उस समय पर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी मौजूद रहेगा और इंसुलिन भी मौजूद रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी है और इंसुलिन भी है, लेकिन फिर भी आपकी डायबिटीज है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल अपने दरवाजे नहीं खोल रहा है, है ना। तो उस समय भी थोड़ी तो शुगर तो रहेगी, क्योंकि शुगर भी अब ब्लड में घूम रही है और साथ में इंसुलिन भी घूम रहा है, दोनों घूम रहे हैं आपके। तो तीन कंडीशन में ये बीमारी आने का कारण हो सकता है, पहला कि ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा, दूसरा कि वो ज्यादा काम कर रहा है, तीसरा कि वो कम काम कर रहा है, और चौथा कि ये सेल अपना दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। यानी कि जिस
केमिकल को वहां पर पहुंचना चाहिए था, उचित जगह पर पहुंचना चाहिए था। उचित जगह क्या थी कि इंसुलिन को सेल के अंदर जाना चाहिए था, तो ये इंसुलिन सेल के अंदर जा ही नहीं पा रहा, तो यानी कि वो उचित जगह पर ना पहुंचने से भी बीमारी आ सकती है ना। अब ये एक मेडिकल साइंस के हिसाब से बीमारी होगी। अब ये तो किसने जानकारी दी हमें, मेडिकल साइंस ने जानकारी दी। इस जानकारी को हम न्यूरोथेरेपी में अपनाते हैं और हमारे पास इस तरीके का कोई भी पेशेंट आएगा तो हम उसका समाधान करते हैं। पहली कंडीशन कि अगर पैंक्रियास ठीक से काम ना करे, यानी कि काम ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम पैंक्रियास को पॉइंट देकर पैंक्रियास को ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे अगर वहां पर सक्रिय होने की उम्मीद है। अगर उम्मीद ही नहीं है कि भाई वहां तो सेल ही डैमेज हो गए, अब तो वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, अब तो खत्म ही हो गया, डेड हो गया, उस समय तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना हमसे हो सकता है ना मेडिकल साइंस से हो सकता है। हम वो हर काम करने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं जो मेडिकली साइंस एक ट्रीटमेंट के तौर पर करती है। हम ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, ऑपरेशन हम नहीं कर सकते लेकिन वो कर सकते, सर्जरी वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हाँ मेडिसिनल जो काम वो कर सकते हैं, वो जिस भी चीज के लिए मेडिसिन स्टेरॉइड दे सकते हैं, हम हर उस बीमारी पर काम कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर तो अगर ये सक्रिय होने की उम्मीद होगी तो हम पैंक्रियास को स्टिमुलेट करना जानते हैं कि हम पैंक्रियास को ब्लड सप्लाई देना जानते हैं, हमें पता है कि यहाँ की ब्लड सप्लाई कहाँ से होगी। जैसे ओवरी का श्रिंक हो जाना, यूट्रस का श्रिंक हो जाना, किडनी का श्रिंक हो जाना, किसी ऑर्गन का श्रिंक हो जाना, यानी कि वो निष्क्रिय होता चला जा रहा है, इसको मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं एट्रोफी आना। एट्रोफी वर्ड बहुत बार रिपोर्ट्स में लिखा होता है, ब्रेन में एट्रोफी आ गई, बॉडी के अंदर किसी पार्ट में एट्रोफी आ गई। एट्रोफी का मतलब है कि अब वो ऑर्गन धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला जा रहा है, तो वहां पर हम ब्लड सप्लाई भेजकर उस ऑर्गन को दोबारा से सक्रिय कर सकते हैं। तो पहला काम हमने ये करा, यानी कि अगर हमें इस तरीके का कोई पेशेंट मिलता है जहां पर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ही नहीं जा रही है और वो धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला जा रहा है, तो हम उसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, उसको दोबारा से सक्रिय कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है अगर वो ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि यहां पर पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन जरूरत से ज्यादा बना रहा है, तो उस समय पर हमें इंसुलिन को डाउन करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रीटमेंट निकल कर आते हैं, टू पेन। पहला कि ये टू पेन क्या करता है, कोई भी ऑर्गन अगर जरूरत से ज्यादा काम कर रहा होता है तो उसको वहां पर रोकने की ताकत ये सोमेटोस्टेटिन के पास है, जिसको हम टू पेन से स्टिमुलेट करते हैं। कोई भी ऑर्गन, कोई भी एक्टिविटी जो शरीर के हिसाब से ज्यादा हो रही है उसको रोकने का काम कौन करेगा, हमारा टू पेन करेगा, सोमेटोस्टेटिन के द्वारा होगा। तो यानी कि हम पहला काम तो यही करेंगे, भाई इसको रोकेंगे। दूसरा, ये रुकेगा, अगर मान लीजिए नहीं भी रुक रहा है तो इसके इसके बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है ना, ये तो फर्क पड़ना। तो हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देंगे, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो कैसे बढ़ाते हैं हम ग्लूकोज की मात्रा को, फोर पेन देकर। तो यानी कि इस पेशेंट को हम टू पेन भी दे सकते हैं और फोर पेन भी दे सकते हैं। अगर पैंक्रियास का इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, यानी पैंक्रियास इंसुलिन को ज्यादा बना रहा है, तो हम टू पेन भी दे सकते हैं और फोर पेन भी दे सकते हैं, ठीक। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि पैंक्रियास इंसुलिन को कम बना रहा है, कम बना रहा है, यानी कि इंसुलिन कम बन रहा है, तो तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर क्या देंगे, टेन पेन देंगे। और टेन पेन क्या करता है, इंसुलिन को बनाता है, तो यहां पर हम इंसुलिन को बनाने में मदद करेंगे। टेन पेन इंसुलिन के लिए ही दिया जाता है, तो यहां पर हम टेन पेन देकर इंसुलिन को बनाने की कोशिश करेंगे कि जितनी मात्रा में बनना चाहिए उतनी मात्रा में इंसुलिन बने यहां पर, ठीक है। तो इसका भी हम समाधान लेकर आ गए। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, चौथी कंडीशन, कि यह इंसुलिन तो बराबर बन रहा है, यह ग्लूकोज को भी पकड़ रहा है, ब्लड के ग्लूकोज को पकड़कर यह सेल तक भी जा रहा है, लेकिन सेल दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो इस दरवाजे की चाबी हमारे पास है, जब हमारे पास इस दरवाजे की चाबी है तो फिर हम यहां से दरवाजा खोलेंगे और ग्लूकोज को और इंसुलिन को अंदर भेज देंगे। हमारे पास चाबी क्या है,
ये जो चाबी है इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? ये इनकी चाबी है। तो न्यूरोट्रांसमीटर हर सेल के दरवाजे की चाबी होते हैं। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम बना सकते हैं, और इसके लिए न्यूरोथेरेपी में एक फॉर्मूला है, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला, है ना, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला है। इसके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं वो सब न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर आ जाते हैं और यह सेल के दरवाजे को खुलने का काम करते हैं। कोई दरवाजा नहीं खुलता तो हम क्या करते हैं, सरदार जी को लेकर आते हैं, सरदार जी दो मिनट में नकली चाबी बनाते हैं और उसको खोल देते हैं, है ना। तो ऐसे ही, यानी कि उनके पास चाबी बनाने का तरीका है, तो हमारे पास भी चाबी बनाने का तरीका है, जो कि हमारा प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला है, है ना, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला। अब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से खुलेगी तो हमें अलग अलग देने की जरूरत नहीं, हम फॉर्मूला देंगे और वो फॉर्मूले के अंदर वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएंगे जो यहाँ की चाबी बना सकते हैं। तो यहां से जब हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला देते हैं तो फिर तुरंत ये शुगर अंदर चली जाती है और आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। नहीं तो शुगर हमारे इस चीज को कैसे टेस्टेड किया, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूले में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इंसुलिन पर काम करता हो। मेरी बात को ध्यान से समझना कि साइंस कैसे, हमारे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के पीछे साइंस कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया अब ये टेस्टेड नहीं है लेकिन रिजल्ट है, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूले के अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इंसुलिन को बनाने का काम करता है, है ना, इंसुलिन को बनाने का काम करता है। लेकिन प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला देने से आपका शुगर लेवल डाउन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमने दरवाजे की चाबी ढूल ली है, यानी कि इस सेल के रिसेप्टर्स को खोलने के लिए हमारे पास चाबी है, तभी तो आपका शुगर लेवल डाउन जाएगा। नहीं तो शुगर लेवल डाउन जाने के लिए बिना इंसुलिन के कोई शुगर को डाउन नहीं कर सकता है, है ना। शुगर को डाउन अगर करना है तो मैं इंसुलिन ही है और कोई दूसरा केमिकल नहीं है जो शुगर को डाउन कर सकता हो। अब यहां पर इंसुलिन भी है शुगर भी है लेकिन वो जरूरत यह है कि वो अंदर घुस नहीं पा रहे हैं सेल के अंदर, तो उस समय पर सेल के दरवाजे को खोलने का काम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला करता है। और इसी वजह से आप केवल किसी भी शुगर पेशेंट को ट्रीटमेंट दीजिए और प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला दीजिए और उसके बाद शुगर चेक कर लीजिए, उनकी शुगर डाउन आएगी ही आएगी, यानी कि हमने उस सेल के रिसेप्टर्स को खोल दिया है। तो इस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं जो मेडिकल साइंस ने हमें बीमारी आने का कारण बताया है कि या तो ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा है, या वो ज़्यादा काम कर रहा है, या वो कम काम कर रहा है, या उसके द्वारा बनाए हुए केमिकल सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन सभी चारों समस्याओं में न्यूरोथेरेपी के पास फॉर्मूलेज हैं और उनका उचित फॉर्मूले का इस्तेमाल कर हम उस बीमारी का समाधान उसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, और ये जो जानकारी है वो हमें ये बताती है कि सभी हार्मोन्स के रॉ मटेरियल तीन ही तत्वों से मिलाकर बनते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी हार्मोन्स हैं वो तीन ही चीजों से मिलकर बनते हैं, है ना। हार्मोन्स के रॉ मटेरियल कोई भी हार्मोन होगा या तो कोलेस्ट्रॉल से बनेगा या अमीनो एसिड से बनेगा या पॉलीपेप्टाइड से बनेगा। ये हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं ये तीन ही चीजों से मिलकर बनते हैं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है, अमीनो एसिड्स क्या है, ये अमीनो एसिड्स क्या है, सॉरी अमीनो एसिड से बनेगा या टायरोसिन अमीनो एसिड से बनेगा। यहां पर पॉलीपेप्टाइड ये टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड, है ना, और ये अमीनो एसिड से लिख दो, ये अमीनो एसिड्स हो गया और इसको हम पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक, ये अमीनो एसिड है। अब हमारी जो बॉडी है, इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, हमारी जो बॉडी है
लगभग 22 या 23 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है वो 22 या 23 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। पहले जो हमारी बॉडी थी वो लगभग 30-40 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनती थी। अगर आज से 50 साल पहले की बात करें, उससे 50 साल पहले की बात करें तो और भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते थे। आने वाले 50 साल की बात करें तो 10 ही अमीनो एसिड रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे खाने की वैरायटी कम होती चली जा रही है, है ना। हम आजकल स्पेसिफिक फूड की तरफ चले जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा घर में, परिवार में, हमारे घर में तो लौकी आती नहीं है क्योंकि हम कोई भी नहीं खाता है। हमारे घर में तो टिंडे बनते ही नहीं है, हमारे घर में तो पलवल बनते ही नहीं है। अब जब वो आएंगे नहीं तो धीरे धीरे आपकी डाइट से खत्म होते चले जाएंगे। जब आपके बच्चों ने कभी लौकी नहीं खाई, तोरी नहीं खाई, टिंडे नहीं खाए, तो उनके बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उन्होंने नहीं खाए तो वो कभी घर में ही नहीं बनेंगे। तो उनके, हो सकता है आपके बच्चे भिंडी भी ना खाए, तो धीरे धीरे करके आपका जो डाइट प्लान है वो सीमित हो जाएगा। और उन बच्चों के अंदर अमीनो एसिड देखेंगे तो दो चार जो अमीनो एसिड घिया तोरी टिंडे में मिलते थे ये तो खत्म ही हो गए, तो उनके अंदर 20 ही रह जाएंगे और उनके बच्चों में आने वाले समय में ये 10-12 ही रह जाएंगे, ऐसी रिसर्च कहती है। जैसे पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा 30-40 प्रकार के, 35 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते थे क्योंकि हम उस समय पर जंगल में रहते थे और जंगल में हर प्रकार के जो भी चीज़ें हैं वो खाते थे, है ना। तो उसमें जो जो अमीनो एसिड है वो सब हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, तो हमारा डेवलपमेंट और अच्छा होता था, है ना। आज के 50 साल 75 साल पहले किसी आदमी का फोटो देख लो, दादा जी पर दादा का फोटो देख लो और आज पोते का देख लो, तो आज का पोता एलियन नजर आता है और पहले का दादाजी हमें आदमी नजर आते हैं, है ना। तो उनके जो फर्क आया है, उनकी बनावट में फर्क आया है, वो कैसे आया है, हमारे खान पीन से ही आया है। जैसा हम खाते हैं वैसे स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, लगेगा नहीं कि ये उसनी का पोता है क्योंकि उनके ट्रेडिशनल, उनके रहन सहन, ये सब फर्क आता है हमारे अमीनो एसिड से। तो आज की डेट में ये माना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 20 से 22 या 23 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ एसेंशियल है, कुछ में नॉन एसेंशियल है, तो कितनी लिस्ट हो गई, 20 से लेकर 22 मान लो, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड, एक नाम ये आ गया, एक प्रकार का ये अमीनो एसिड है, ये एक ही प्रकार का अमीनो एसिड है, है ना। तो ये जो 20 से 22 प्रकार के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, इसमें क्या है, कुछ हार्मोन्स तो केवल टायरोसिन अमीनो एसिड से ही बनते हैं, ये अकेला ही काफी है उसके लिए, कुछ हार्मोन्स को बनाने के लिए ये अकेला ही काफी है। जैसे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले दो हार्मोन T3 T4 इसी, केवल इसी से बनते हैं। एड्रेनल ग्लैंड से बनने वाले इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन केवल इसी से बनते हैं, तो उनके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो जिस चीज में टायरोसिन अमीनो एसिड होगा अगर हम वो चीज खाएंगे तो हमारा थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड तो बिल्कुल ठीक से काम करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए केवल इन्हीं की आवश्यकता है, एक ही चीज की आवश्यकता है। कुछ हार्मोन्स को बनने के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, कुछ हार्मोन्स को बनने के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, तो उस समय पर हमें क्या लिखना पड़ा, यहां पर अमीनो एसिड्स यानी कि पॉलीपेप्टाइड, पॉली ये जो अमीनो एसिड का एक रूप है पॉलीपेप्टाइड, यानी ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड को हम पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड यानी कि एक प्रकार के हार्मोन्स को बनाने के लिए हमें बहुत सारे अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, तो ये ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो गए। और कुछ हार्मोन्स को बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार के हार्मोन हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो हमारे टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, है ना, ऑक्सीटोसिन हो, प्रोलैक्टिन हो, जितने भी हार्मोन हमारे शरीर के अंदर हैं वह इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी से बने होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कोलेस्ट्रॉल जो हम घी तेल खाते हैं, जो घी तेल खाते हैं, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि घी तेल खाने के बाद वो घी तेल किस में कन्वर्ट होता है, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ये फ्री फैटी एसिड ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, लीवर के पास पहुंचता है।
लिवर इसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, तो यही कोलेस्ट्रॉल बन गया है ना, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। इस कोलेस्ट्रॉल का 80-85% भाग हमारे स्टेरॉइड हार्मोन को बनाने में यूज हो जाता है। 80-85% तक इस कोलेस्ट्रॉल का यूज हमारे स्टेरॉइड हार्मोन बनाने में यूज हो जाता है, जिनमें से हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है ना, ये सब हमारे क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, जो हमारे जितने भी सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, जितने भी हमारे सेक्सुअल हार्मोन हैं, ये सब हमारे स्टेरॉइड हार्मोन हैं, है ना। तो ये कोलेस्ट्रॉल से हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं, इनसे हमारी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं जो बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, और इससे हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए और एड्रेनल ग्लैंड के लिए हार्मोन बनते हैं। तो बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बनते हैं। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आए जिसको हार्मोनल समस्या हो, जो मेरे पास आए, चाहे वो फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है पेशेंट, तो अगर उसे हार्मोनल समस्या है और वह मुझे बताए कि मेरा प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, या प्रोलैक्टिन नहीं बन रहा, या ऑक्सीटोसिन नहीं बन रहा, तो फिर हम उसके हिस्ट्री में जाएंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनका रूट कॉज क्या है, और हमें पता चले कि जो टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा किसी आदमी के अंदर, तो किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं उनका डिस्टर्ब चल रहा है, यानी कि घी तेल की चीज़ें शायद उनको पच नहीं रही होंगी, उनको घी तेल से अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल ना मिलने की वजह से धीरे धीरे उनका कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले हार्मोन्स डाउन होते चले आ रहे हैं और उनको हार्मोनल समस्या आ रही है। तो जब मेडिकल साइंस ने हमें ये बताया कि हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो तीन ही चीज़ों से मिलकर बनते हैं, तो उस समय पर न्यूरोथेरेपी ने इस कॉन्सेप्ट का लाभ उठाया कि जब हार्मोन्स इन्हीं तीन चीज़ों से मिलते हैं, तो ये तीनों चीज़ तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, कि अगर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो, 100% ठीक हो, और उस कंडीशन में हो कि लक्कड़ हजम और पत्थर हजम, यानी कि मैं जो कुछ भी खाऊं वो डाइजेस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में केवल मुझे क्या ध्यान करना है कि ये चीज़ें मेरे शरीर के अंदर जानी चाहिए। तो अच्छा घी तेल खाना है, अच्छी प्रोटीन खानी है, सारे प्रकार की प्रोटीन खानी है, बस इतना ही तो काम करना है, बाकी तो पेट ठीक है, ये पेट उसे डाइजेस्ट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा और हार्मोन्स ठीक होते चले जाएंगे। तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट किसी भी हार्मोनल समस्या के साथ में आए हुए पेशेंट को पहले, सबसे पहले उसका पेट ठीक करेगा कि भाई पेट ठीक होना चाहिए तभी ये डाइजेशन में ये ठीक होंगी, और दूसरा उसकी डाइट ठीक करेगा कि भाई डाइट में वो चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए जो हमारे को ये देंगी, तो दूसरी चीज़ वो डाइट ठीक करेगा, और तीसरा इसमें वो जो ट्रीटमेंट देगा जिससे कि वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरीके से हम किसी भी हार्मोनल समस्या का समाधान न्यूरोथेरेपी में कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्मोन्स बनते कैसे हैं, हार्मोन्स बनेंगे कैसे, और जैसे बनेंगे तो अगर हम उसको उसकी सप्लाई शुरू कर दें, रॉ मटेरियल की सप्लाई शुरू कर दें, तो हार्मोन्स अपने आप बन जाएंगे। तो कहीं अगर कोई ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसके लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई हार्मोन नहीं बन रहे तो उसके लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और इस प्रकार से एक न्यूरोथेरेपिस्ट हार्मोनल समस्या को भी ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये हार्मोन्स का रॉ मटेरियल इन तीन ही चीज़ों से आता है। तो इस प्रकार हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर और डाइट को ठीक कर हम हार्मोनल समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, इन सभी से मिलाकर हमारा शरीर बना है, और इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए पेट का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे शरीर की जो बनावट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, और चाहे वो आदमी कैसा भी दिखता हो, भीम की तरह हो, खली की तरह हो, या कोई छोटा मोटा सा आदमी हो, बहुत सारे सर्कस में आपने देखे होंगे इतने इतने से लोग घूमते रहते हैं, है ना, या ये हो, इसका शरीर और उसका शरीर इन्हीं सात चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अलावा ना तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा है, ना इसके पास कोई कमी है, दोनों का शरीर इन्हीं सात चीज़ों से मिलकर बना है, है ना। इन सात चीज़ों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है और फाइबर है।
है ना, इन सात चीजों से मिलाकर हमारा शरीर बना है। अगर हमारे शरीर को 100% आप ये चाहते हैं कि अच्छी बनावट, सब कुछ ठीक ठाक, स्वस्थ हो, तो इन सात चीजों का हमें इंटेक करना चाहिए। हमारी एक जो डाइट की थाली है, यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जिस थाली से, उस थाली के अंदर ये सातों चीज होनी चाहिए। जिस थाली के अंदर ये सातों चीज होंगी उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, है ना। तो इसमें हमारे यहाँ पर जो परंपरा है या हम जो जिस तरीके खाना इस्तेमाल करते हैं उसमें ये सातों चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम रोटी, चपाती या चावल का इस्तेमाल करते ही हैं, है ना। जो रोटी है, चपाती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता ही है। हमारे यहाँ हर दाल और हर सब्जी घी तेल में ही बनाई जाती है। हम उसे उबाल कर नहीं खाते हैं, हम उसे छोंक कर खाते हैं, है ना। यानी कि उसका इस्तेमाल घी तेल का करते ही करते हैं। प्रोटीन, आपकी थाली में दाल एक कटोरी होनी ही चाहिए तो प्रोटीन आपको मिल जाएगी। अब ये वैरायटी हो सकती है, आज आपने मूंग की दाल खाई है, कल हो सकता है आप अरहर की खा लीजिए, परसों आप चने की खा लीजिए, किसी दिन और कुछ खा लीजिए, ये वैरायटी हो सकती है, लेकिन प्रोटीन तो प्रोटीन है। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हम सलाद का इस्तेमाल करते हैं, सैलेड का इस्तेमाल करते हैं। मौसम के अनुसार जो सैलेड या जो सलाद मौसम में आ रहा है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आजकल खीरा है, ककड़ी है, प्याज है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में हम वहीं पर गाजर, चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स यहाँ से मिल जाते हैं। और खास तौर से मिनरल्स के लिए हिंदुस्तान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि सबसे ज्यादा मसाले हमारे भोजन में यूज होते हैं, सबसे ज्यादा मसाले हमारे भोजन में यूज होते हैं। और मसालों के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होता है। काली मिर्च के अंदर अलग मसाला है, अलग मिनरल है, है ना। धनिया के अंदर अलग है, लाल मिर्च के लिए अलग है, है ना। हल्दी के अंदर अलग है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स की कमी तो हमें हो ही नहीं सकती अगर हम जो मसाले यूज कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के कर रहे हैं, और अगर हम सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विटामिन्स की कमी भी नहीं होगी। बिना पानी के आज तक कोई खाना बन नहीं सकता है, कोई बन सकता है, क्योंकि हम आटे को गूंथने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, चावल को बनाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और फाइबर के रूप में जो भी हम अपनी डाइट में, भोजन में, जो भी आपने यहाँ पर दालों का इस्तेमाल किया, यहाँ पर सब्जी का इस्तेमाल किया, या आटे का इस्तेमाल किया, या सलाद का इस्तेमाल किया, ये सब आपने छिलके वाले ही यूज करने हैं। यानी कि जो दाल हम खा रहे हैं वो छिलके वाली होनी चाहिए, जो खीरा खा रहे हैं वो छिलके वाला होना चाहिए, जो सेब खा रहे हैं वो छिलके वाला होना चाहिए, जो सब्जी हम खा रहे हैं वो छिलके वाली होनी चाहिए, जिन छिलकों को आप खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज ही कटहर को खाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जिन छिलकों को हम खा सकते हैं उन छिलकों के साथ ही हमें भोजन को लेना चाहिए, तो फाइबर भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो रोटी, चावल, आपकी सब्जियों या दाल के अंदर फैट होगा। हम आज हिंदुस्तान में तो रोटी के ऊपर भी घी लगाकर खाते हैं, तो फैट वो भी है, है ना। प्रोटीन के रूप में दाल खा रहे हैं, विटामिन्स के रूप में हम सलाद खा रहे हैं, मिनरल्स के रूप में हम जो मसाला खा रहे हैं, और पानी तो है ही है, और फाइबर जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं फल और सब्जियों का, सलाद का, वो छिलके के साथ होने चाहिए, ये फाइबर्स भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट मिलती है, और उस बैलेंस डाइट से आपका शरीर का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो पहली चीज तो साइंस ने हमें बताया कि हमारा जो शरीर है वो इन्हीं सात चीजों से मिलकर बना है। न्यूरोथेरेपी ने इसका बेनिफिट ये उठाया कि ये सात चीज अगर हमारे भोजन में है तो फिर तो हमारा शरीर बीमार नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे शरीर का डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमारे भोजन के अंदर हैं तो हमारे शरीर का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा ही होगा। अब इसका दूसरा रीजन कि हम ये खा तो रहे हैं, चलो हमारा काम है कि हम खा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका पेट का सिस्टम खराब है तो ये खाने के बावजूद आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में बाहर आ जाएगा, यानी अनपचा खाना आपको मोशन में दिखाई देने लगेगा।
यानी कि आप खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उस समय पर न्यूरोथेरेपिस्ट की भूमिका आ जाती है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करे, डाइजेस्टिव सिस्टम को सारे ऑर्गन्स को ठीक करे और वह अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, जिससे कि ये सातों सातों चीज़ें हमारे शरीर को मिल सकें। और ये सातों चीज़ें जब आपके शरीर को मिलेंगी तो शरीर का डेवलपमेंट, शरीर का विकास अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइंस ने हमें बताया कि ये सात चीज़ें मिलकर हमारे शरीर का विकास करती हैं। और न्यूरोथेरेपी के द्वारा एक न्यूरोथेरेपिस्ट पहले तो डाइट को ठीक करेगा आपकी, और दूसरा फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, जिससे कि आपके शरीर का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो अगर आपकी हाइट में कोई दिक्कत है, अगर आपके वेट में कोई दिक्कत है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन डिजीज है, आपको आंखों की समस्या है, आपको कुछ और भी समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब के लिए रॉ मटेरियल हमारी डाइट से ही आने वाला है। तो हमें डाइट ठीक करनी है और डाइजेशन ठीक करना है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा और आपकी बॉडी का विकास प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। देखिए, नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उस नर्वस सिस्टम को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम को हम जब पढ़ेंगे तो उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक CNS, एक PNS और एक ANS। ये तीन हिस्सों में नर्वस सिस्टम को हम पढ़ेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा डिप्लोमा कोर्स में। तो CNS, PNS और ANS, इस CNS में अगर हम देखें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन जो है ये यहां पर ये कहना चाह रहा है, पहले हम आपको पढ़ देता हूं फिर इसके मतलब को समझाऊंगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तब बिगड़ता है जब 12 मुख्य केमिकल में से किसी एक में भी कमी आती है। ऐसी अवस्था में एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर न्यूरोथेरेपी ब्रेन की बीमारियों को ठीक करती है। ठीक है, उन्होंने ये कहा। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने अभी आपको बताया CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि खोपड़ी वाली जो बीमारियां हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तब बिगड़ता है जब इसके 12 मुख्य केमिकल में से किसी एक में भी कमी आती है। ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, हम ब्रेन के चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका सेरोटोनिन है, एसेटिलकोलिन है, पोन्स है ना, गावा है, इपिनेफ्रिन है, नॉर इपिनेफ्रिन है, ऐसे प्रकार के केमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर मिलाकर लगभग 12 हैं। अमोनिया है ना, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ऐसे कुछ केमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर मिलाकर 12 केमिकल हैं। इन 12 केमिकल्स की वजह से हमारे शरीर के ऑर्गन यानी कि ब्रेन के ऑर्गन्स काम करते हैं, और उसमें खास तौर से हमारे ब्रेन के अंदर एक लहर चलती है, एक लहर चलती, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक लहर निकलेगी और ये ऐसे फैल जाती है, फिर धीरे से फिर दोबारा निकलती है इस तरीके से। और इस लहर से क्या है, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है ना, पॉन्स है, सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं, वेसल गैंग्लिया है। इस लहर से वो अपने वो थोड़ा सा उनको करंट मिलता है और वो अपना काम सुचारू रूप से करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये लहर चलती रहती है। इस लहर को प्रोड्यूस करने में इन 12 केमिकल्स की जरूरत है जो मैंने अभी आपको बताए। ये 12 मुख्य केमिकल जब तक ठीक हैं, इनमें कोई भी कमी कोई भी अधिकता नहीं हो रही है, तो ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। लेकिन इन 12 केमिकल में से किसी एक में भी कमी हो जाती है, एक में भी अधिकता हो जाती है, कोई ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है और हमें दिमाग की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ये बिगड़ेगा, या तो ये स्लो हो जाएगी जो अभी नॉर्मल मूवमेंट में आ रही थी, या ये फास्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये लहर फास्ट होगी या स्लो होगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, ब्रेन की लहर को चेक करने के लिए हम क्या कराते हैं, EEG कराते हैं। EEG हार्ट को चेक करने के लिए, हार्ट के अंदर भी लहर चलती है ना, तो उसको ECG के माध्यम से चेक करते हैं, है ना। और ब्रेन के जो लहर है उसको चेक करने के लिए EEG करते हैं। EEG ECG हार्ट के लिए करते हैं, ठीक है।
तो इस ईईजी में भी फर्क आ जाता है जब ब्रेन के केमिकल्स में गड़बड़ी आती है। तो डॉक्टर सर आपको बोलते हैं कि आपके ईईजी में गड़बड़ी आई है, यानी कहीं ना कुछ कुछ गड़बड़ हो चुका है। अब वो गड़बड़ क्या हुआ है, फिर हम उन केमिकल की टेस्टिंग करते हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट जब भी ब्रेन के लिए इलाज कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि आपको उन 12 केमिकल्स के लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम उन 12 केमिकल का टेस्ट करा लें तो लगभग आपका खर्चा 1,00,000 रुपए का आएगा, है ना, उन 12 केमिकल्स को, क्योंकि जिसमें एक डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलाइन है, ये भारत के 2-4 ही लैब में टेस्ट होते हैं, है ना। तो 30,000-30,000 रुपए, 10,000-10,000 रुपए, 20,000-20,000 रुपए एक एक टेस्ट पर आपका खर्चा आएगा। तो हम उन जो मेन केमिकल है, उन जो मुख्य जो ऐसे हैं जो बहुत महंगे होते हैं उनको छोड़कर बाकी जो सस्ते होते हैं उनको तो टेस्ट करा ही सकते हैं। सोडियम करा सकते हैं, क्लोराइड चेक करा सकते हैं, पोटेशियम करा सकते हैं, अमोनिया करा सकते हैं। तो उन टेस्टों की मदद से भी हमें पता लग जाता है कि इनमें से कुछ गड़बड़ है या कम है, ज़्यादा है। तो उस आधार पर हम ट्रीटमेंट देते हैं और ब्रेन की बीमारी का इलाज करते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि अगर डॉक्टर ने बीमारी डिक्लेयर कर दी, जब डॉक्टर ने बीमारी डिक्लेयर कर दी तो स्वाभाविक है कि जब बीमारी डिक्लेयर है तो उसका कॉज भी डिक्लेयर है। जैसे अगर किसी को पार्किंसन की बीमारी है तो पार्किंसन की बीमारी में अगर हम ये चेक करने की कोशिश करें कि डोपामाइन बनता ही नहीं बनता तो कितना खर्चा है, 10,000 रुपए का खर्चा। और डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्किंसन ही है तो उसका मतलब यही है कि पार्किंसन ही नहीं, कि डोपामाइन ही नहीं बन रहा। तो उस समय पर एक न्यूरोथेरेपिस्ट साइंस के उस रिसर्च का फायदा उठाता है। साइंस दूसरी तरफ से ये भी कहती है कि ब्रेन के जो मुख्य केमिकल हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि शरीर के अंदर हर मुख्य केमिकल 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनता है, तो उस समय पर ब्रेन के जो मुख्य केमिकल हैं वो हमारे दूसरे जगह पर भी बनते हैं। और वो कहाँ बनते हैं, तो मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि ब्रेन के हर मुख्य केमिकल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ब्रेन के हर मुख्य केमिकल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक नर्वस सिस्टम काम करता है जिसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर भी वह केमिकल बनते हैं जो ब्रेन के अंदर बनते हैं। ये कौन कहानी सुना रहा है मुझे, मेडिकल साइंस सुना रहा है, मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये मेडिकल साइंस की कहानी है, मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है और जो ब्रेन के केमिकल्स को बनाने का काम करता है। फर्क इतना है कि ब्रेन उनको 80-90% बनाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का एंट्रिक नर्वस सिस्टम उन्हें 10-20% बनाता है, है ना। तो 10-20% बनाता है, तो न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करता है कि ब्रेन की बीमारियों का इलाज कोशिश पहली यह करता है कि ब्रेन भी बनाए उस केमिकल को या ब्रेन उस केमिकल के बनाने का काम करे। दूसरा सपोर्टिव हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी काम करते हैं कि 10-20% कुछ तो बनेगा इससे केमिकल, उस केमिकल को बनाकर उस बीमारी से शरीर का बचाव करते हैं, उस पेशेंट का इलाज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई पार्किंसन का पेशेंट आता है तो उस समय पर हम ब्रेन को भी स्टिमुलेट करते हैं कि वो पार्किंसन बनाए, साथ में हम स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टिमुलेट करते हैं कि वह भी पार्किंसन बनाए। और अगर हमने ये बनाया, उसको टेस्ट में ही खर्चा आ जाएगा, और हमने ये ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट को फर्क आ रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि हम डोपामाइन को बना पा रहे हैं। क्योंकि पार्किंसन को ठीक करने के लिए पार्किंसन की डिजीज में केवल और केवल डोपामाइन का ही रोल है ना। जैसे शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का ही रोल है, ऐसे ही शरीर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपके डोपामाइन का ही रोल है। तो डोपामाइन हमारा ब्रेन से बन रहा है, बन नहीं रहा तो वो पार्किंसन हो गया, और हम न्यूरोथेरेपिस्ट उस डोपामाइन को ब्रेन से और स्मॉल इंटेस्टाइन से बनाने का प्रयास करते हैं, और अगर वो बनता है और पेशेंट को फर्क आ रहा है तो इससे प्रूफ होता है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे डोपामाइन बन सकता है। तो डोपामाइन बनाने के लिए हम क्या देते हैं, 20 मेडुला देते हैं जो ब्रेन के डोपामाइन को स्टिमुलेट करता है, और 12 गैसाई देते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से
डोपामाइन को बनाता है। तो 12 गैस आई से हम इस एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं जो कि डोपामाइन बनाने का काम करेगा, और 20 मेडुला से हम ब्रेन के डोपामाइन को बनाने का काम करते हैं जो वहां से करेगा, और साथ में प्योर न्यूरोट्रांसमीटर्स देते हैं जो कि ब्रेन के केमिकल्स को बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन की बीमारियों पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन की बीमारियों का मूल कारण क्या है और उसको न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उस पर रिजल्ट ला सकते हैं। अगला हम देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण कोई भी बाहर की मेडिसिन ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती। न्यूरोथेरेपी में हम प्लाज्मिन और हेपरिन बनाकर ब्रेन के क्लॉट को खोलने का काम करते हैं, जिसमें हेपरिन जो है वो क्लॉट को डिजॉल्व करता है और प्लाज्मिन पुराने क्लॉट को खोलने का काम करता है। हेपरिन क्लॉट बनने नहीं देता और प्लाज्मिन पुराने क्लॉट को खोलने का काम करता है। ठीक, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इन्होंने हमें बताया, ये किसने बताया? मेडिकल साइंस ने बताया। हम जो बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से बाहर की कोई भी मेडिसिन, अधिकतर मेडिसिन, कुछ तो जा सकती है, अधिकतर मेडिसिन ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती है। उसकी वजह से ब्रेन की बीमारियों का उपचार आज भी मेडिकल साइंस के पास कम से कम है। यानी कि अगर कहीं पर हमारी रिसर्च कम है, यानी कि मेडिकल साइंस की रिसर्च कम है, तो वो ब्रेन है ना। ब्रेन में आज भी पैरालिसिस, कोमा, है ना, फिर एपिलेप्सी, इनका इलाज ही नहीं है। अगर किसी को फिट्स की दिक्कत है तो उसको परमानेंट मेडिसिन की जरूरत है, उसका इलाज नहीं है। किसी को पैरालिसिस हो गया तो पैरालिसिस उनका लिमिटेशन है कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, आप फिजियोथेरेपी कराते रहिए, क्योंकि उसका इलाज नहीं है। कोई कोमा में है तो भगवान से दुआ करिए जो मेडिसिन चल रही है उसका असर होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसका इलाज नहीं है, है ना। तो कोई तो इस तरीके की बीमारी, जो भी ब्रेन की बीमारी है, इनका इलाज नहीं है, और इसलिए आज भी ब्रेन की बीमारियों से लोग सालों साल मेडिसिन पर ही जूझते रहते हैं। उसकी वजह क्या बताइए कि ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से, ये क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये क्या है, खोपड़ी आपकी, है ना। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से कोई भी बाहर की मेडिसिन, अब ये क्या है, ब्रेन है, अब ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन को यहां तक पहुंचना है तभी तो ठीक करेगी कोई, तभी तो जाकर असर करेगी। लेकिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से, ये जो बैरियर है, आपने देखा होगा पुलिस वालों को बैरियर लगा रहता है ना, लॉकडाउन में तो सबने देखा था कि हम उस बैरियर की वजह से आगे नहीं जा पाते हैं, तो पुलिस का बैरियर हमें रोक लेता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का जो है ये मेडिसिन को रोक लेता है। कि ये जो मेडिसिन है जैसे एंटर करती है, इसे बोलते हैं अपना पहचान पत्र दिखाओ, इसके पास कोई पहचान पत्र होता नहीं है, क्योंकि ये बाहर की मेडिसिन है, इसके बॉडी के अंदर का थोड़ी आएगा कि ये क्या कहेगी कि मुझे लीवर ने बनाया है, मुझे गॉल ब्लैडर ने बनाया है, मुझे पैंक्रियाज ने बनाया है। तो जब आपके किसी ऑर्गन ने बनाया ही नहीं इस ऑर्गन को, इस केमिकल को, तो ये अंदर जाने ही नहीं देगी, है ना, क्योंकि इनके पास कोई भी पहचान पत्र है ही नहीं कि मैं किसका बेटा हूं, गॉल ब्लैडर का हूं, लीवर का हूं, पैंक्रियास का हूं, किडनी का हूं, किसी का तो है। जब आपके पास पहचान पत्र ही नहीं है तो ये यहीं से आपको वापस भेज देगी। तो ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर एक सिस्टम है जिसका काम यह है कि ब्रेन के अंदर कोई भी केमिकल अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, है ना। और जब वो अंदर ही नहीं जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बेकार हो, तो फिर ब्रेन की बीमारी को इलाज कैसे होगा। तो इसी वजह से, इस ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से ही हमारी एलोपैथी की 80% जो मेडिसिन है वो ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती है, केवल कुछ जा सकती है। वो कैसे चली जाती है कि उसका मॉलिक्यूल साइज इतना छोटा कर देते हैं, उसका मॉलिक्यूल साइज इतना छोटा कर देते हैं कि ये इनको पागल बनाकर अंदर चली जाती है। जैसे एक बैरियर बना हुआ है, आदमी को तो आप रोक सकते हैं, क्या मधुमक्खी को रोक लेंगे या मक्खी को रोक लेंगे, मक्खी तो भग जाएगी वहां से,
उसको ध्यान भी नहीं आएगा क्या? तो वो जो केमिकल्स हैं वो इतने छोटे मॉलिक्यूल हैं, जैसे नींद की दवाई है, नींद और दवाई खाते हैं नींद आ जाती है, यानी कि वो भी तो ब्रेन के अंदर गई ही है ना। शराब पीते हैं हम शाहरुख खान बन जाते हैं पीते ही, है ना, यानी कि वो भी तो उसका असर ब्रेन के अंदर हुआ ही है ना। तो यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इतने छोटे हैं कि ये आराम से ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, है ना। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर वहां आकर फेल हो जाता है जब वो जो मेडिसिन का जो मॉलिक्यूल है वो छोटा हो जाता है। लेकिन 80% जो मॉलिक्यूल है ये इसको पार नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी चीज न्यूरोथेरेपी क्या है, न्यूरोथेरेपी इसमें क्या भूमिका अदा करेगी कि न्यूरोथेरेपी जो केमिकल हम बाहर से ले रहे हैं उन्हीं केमिकल्स को बॉडी के अंदर बनाने की कोशिश करती है। हम लीवर से, गॉल ब्लैडर से, पैंक्रियास से, उन केमिकल्स को किडनी से बनाने की कोशिश करते हैं हम, हालांकि बहुत कम मात्रा में बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम डोज हमारे हाथ में, डॉक्टर के हाथ में वो 50 mg दे दे, 100 mg दे दे, 150 mg दे दे, 200 mg दे दे, वो तो खुद कर सकता है, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं। हम कुछ मात्रा में उन केमिकल्स को बनाते हैं और ये कुछ मात्रा में जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर उनसे भी पूछता है कि आप अपना पहचान पत्र दिखाओ। वो पहचान पत्र दिखा सकते हैं क्योंकि वो नेचुरली बॉडी के बनाए हुए केमिकल हैं, और जैसे ही वो दिखाते हैं कि हमें तो पैंक्रियाज ने बनाया है, ये तो गॉल ब्लैडर ने बनाया है, किडनी ने बनाया है, तुरंत वो कहते हैं कि आप जा सकते हैं क्योंकि आप हमारे ही बॉडी के केमिकल हैं। तो यहाँ से ये केमिकल अंदर चले जाते हैं और जो भी काम इनका है, यहाँ पर हुए जो क्लॉटिंग है, जो इंजरी हो गई है, जो समस्या आई है, इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जो ग्लैंड्स हैं वो कुछ ही मात्रा में बना सकती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में नहीं बना सकती, तो इसलिए उनका ट्रीटमेंट स्लो असर करता है। यानी कि हमारा ट्रीटमेंट ब्रेन की बीमारी में स्लो है लेकिन रिजल्ट है। हमारे पास जितने भी आज तक पेशेंट हमने ब्रेन के देखे उन सब का रिजल्ट है, हो सकता है उन्हें 6 महीने लगे हो, साल भर लगा हो। इसलिए गुरु जी कई बार बोलते हैं कि ब्रेन की बीमारियों वाले पेशेंट को पेशेंस लेकर आना चाहिए, ब्रेन के बीमारियों वाले पेशेंट को पेशेंस लेकर आना चाहिए कि उनको समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास डोज बढ़ाने के कोई केमिकल नहीं है, कोई हथियार नहीं है, हम नेचुरली धीरे धीरे केमिकल बनाएंगे और वो धीरे धीरे करके ब्रेन के अंदर जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर उसको नहीं रोकेगा क्योंकि वो शरीर के ही केमिकल होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी समझ आया कि ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से कोई भी बाहर की मेडिसिन ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल बना हुआ केमिकल है, लेबोरेटरी में बना हुआ केमिकल है, क्योंकि उनके पास अपना कोई आधार कार्ड नहीं है, और इस वजह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर उनको रोक लेता है। और वो हालांकि वो हमारे लिए अच्छे हैं लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर उनको जाने नहीं देता, जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होगी, जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। तो उस कंडीशन में एक न्यूरोथेरेपिस्ट उन केमिकल्स को जिसकी वजह से वहां की बीमारी ठीक नहीं हो रही है उन केमिकल्स को बनाकर बॉडी के अंदर बनाते हैं, बॉडी के ऑर्गन से बनाते हैं और उन केमिकल्स को ब्रेन के अंदर भेजते हैं। और न्यूरोथेरेपी इसीलिए ब्रेन की बीमारियों में ज्यादा कामयाब है कंपेयर टू एलोपैथी। ब्रेन की बीमारियों में हम ज़्यादा कामयाब हैं कंपेयर टू एलोपैथी, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हम उन केमिकल्स को बॉडी के अंदर ही बनाते हैं, चाहे वो फिर फिट्स की समस्या हो, इपिलेप्सी की समस्या हो, मिर्गी के दौरे हो, मेनिनजाइटिस हो, चाहे वो ब्रेन में कोमा हो या पैरालिसिस का केस हो, इंजरी का केस हो, क्लॉटिंग का केस हो, इन सब में हम ज़्यादा कामयाब हैं कंपेयर टू एलोपैथी। और हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंटों को ठीक किया जहाँ पर वो सालों से मेडिसिन लेने के बावजूद एक नॉर्मल स्टेज पर फंसे हुए हैं कि इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, और हम वहाँ से अगर उन्हें 20% भी इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं जहाँ वो आज इस स्टेज पर रुक गए हैं, इससे आगे का उनको इम्प्रूवमेंट नहीं है, और हमने ट्रीटमेंट दिया और इम्प्रूवमेंट यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब हम उनसे ज़्यादा कामयाब हैं क्यों? क्योंकि उनका ट्रीटमेंट यहाँ तक है और हमने जैसे ही ट्रीटमेंट दिया और वो पुश होकर यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब हम उनसे ज़्यादा कामयाब हैं, क्योंकि हम नेचुरली न्यूरोथेरेपी के द्वारा उस बीमारी का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारा अगला और लास्ट हमारा न्यूरोथेरेपी की विशेषता है जो साइंस के हिसाब से काम करते हैं, खाना ठीक से ना पचने से खाया हुआ भोजन हमें सोच में ही दिखाई देगा, जिससे शरीर को सभी प्रकार के अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे, जिसकी कमी से मांसपेशियां और ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेंगे। गुरुजी की सर्वश्रेष्ठ खोज है कि यह बड़ी बड़ी बीमारियों का मुख्य कारण है। इन्होंने कहा कि अभी हमने जो पढ़ा था पहले कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर है कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बना है, 22 या 23 तो मान ही लो आजकल की डेट में 22 या 23 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना है ना। अब इन्होंने कहा कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो ये अमीनो एसिड हम खा तो रहे हैं लेकिन ये फिर भी शरीर को नहीं लगेंगे, और उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है, जैसे हमने टमाटर खाया तो टमाटर के अंदर कोई अमीनो एसिड होगा, टमाटर के अंदर होगा कोई अमीनो एसिड किसी विशेष प्रकार का, वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हमारी यूडीएफ आना शुरू हो जाएगा। यूडीएफ क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि आपके मोशन में आपके मल में अनपचा खाना दिखाई देना। जैसे आप टमाटर खाते हैं उसका छिलका आपके मोशन में आता है, आप भिंडी खाते हैं उसके बीज आ जाते हैं, आप अमरूद खाते हैं उसके बीज आ जाते हैं, आप कुछ भी खाते हैं पालक खाते हैं उसके पत्ते आ जाते हैं मोशन में, यानी कि अगर ये आपके मोशन में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप या तो आप बीमार हैं या इन फ्यूचर में बीमार होने वाले हैं, या तो आप बीमार हैं या इन फ्यूचर में बीमार होने वाले हैं। क्योंकि ये जो आपके मोशन में अनपचा खाना आ रहा है इसका मतलब कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। और डाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं हम लोग कि डाइजेशन कैसा होता है हमारा, कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कि लक्कड़ हजम और पत्थर हजम, कि हम जो कुछ भी खाएं वो डाइजेस्ट ही होना चाहिए। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग है कि ये हर चीज को पचा सकता है, ये इतना स्ट्रांग है कि ये लकड़ी को भी पचा सकता है, ये इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी खाएंगे, जो खाने वाली चीज है अगर जो कुछ भी खाएंगे ये उसे डाइजेस्ट कर सकता है। तो फिर क्या वजह है कि भिंडी के बीज नहीं पचते, टमाटर के छिलके नहीं पचते, अमरूद के बीज नहीं पचते, पालक के पत्ते नहीं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके मोशन में आ रही है वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब है कि ये जो HCl है इसकी पावर खत्म हो रही है, इसकी पावर खत्म हो रही है, और इसकी पावर खत्म होने की वजह से आपका जो खाना है वो पच नहीं रहा और आपके मोशन में आ रहा है। और जो मोशन में आ रहा है ये भी ध्यान करना, वो प्रोटीन ही आ रही है, क्योंकि इसके HCl के स्ट्रांग होने से केवल क्या होता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और इसका कोई लिंक नहीं है किसी से, इसका कोई लिंक नहीं है, इसका कार्बोहाइड्रेट से कोई लिंक नहीं है, इसका फैट से कोई लिंक नहीं है, इसका लिंक केवल आपकी प्रोटीन से है। तो यानी कि जो बाहर आ रहा है वो प्रोटीन आ रही है, और प्रोटीन जब बाहर आ रही है तो मैंने आपको बताया कि आपका शरीर 22 प्रकार के अमीनो एसिड से मिला है, तो ये 22 प्रकार के अमीनो एसिड कहाँ से आएंगे, प्रोटीन से बनेंगे। जब प्रोटीन ही डाइजेस्ट नहीं होगी तो अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, अमीनो एसिड नहीं बनेंगे तो बॉडी का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमें मस्कुलर प्रॉब्लम या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। तो गुरुजी कहते हैं, ये गुरुजी की बहुत बड़ी रिसर्च है और बहुत बड़ी रिसर्च जिसको साइंस को इन फ्यूचर में मानना पड़ेगा। आज की डेट में तो कम मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं, आज की डेट में तो आपके स्टूल टेस्ट कराते हैं, स्टूल टेस्ट एनालिसिस भी होता है लेकिन उस पर बहुत कम काम करते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि स्टूल एनालिसिस से आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बीमारी का कारण समझ रहे हैं। तो UDF आना यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, आपके मोशन में अनपचा खाना आना, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण है। जितनी भी बड़ी बीमारी है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पेट से होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो आने से पहले आपके पेट को गड़बड़ करती हैं। तो पेट का गड़बड़ यानी कि आप इन्विटेशन देते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को।
है ना। तो इसका मतलब कि गुरु जी कहते हैं कि यूडीएफ का आना सभी बड़ी बड़ी बीमारियों का मूल कारण है। तो इसलिए पेट को ठीक करना बहुत जरूरी है, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरुजी ने HCl का फॉर्मूला बनाया। HCl का फॉर्मूला यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने का फॉर्मूला गुरुजी ने बनाया है कि अगर किसी को अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ओल्ड यूडीएफ, न्यू यूडीएफ चेंज और लार्ज यूडीएफ, है ना, और इसके साथ फॉलिक एसिड। तो ओल्ड यूडीएफ प्लस लार्ज फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट्स हैं। और इसी के साथ HCl को स्ट्रॉन्ग करने के लिए HCl का फॉर्मूला है। तो यूडीएफ ट्रीटमेंट और HCl ट्रीटमेंट आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं अगर रेगुलर बेस पर आप ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल में आना आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का मूल कारण है। आपको कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की समस्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस HCl को स्ट्रॉन्ग करना है, यूडीएफ ट्रीटमेंट लेना है, फिर उसके बाद में आप बीमारी का समाधान करें तो आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। और इसके लिए पेशेंट को पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली हम बीमारी को ठीक कर रहे हैं।